सकता है, लेकिन हम जेंडर की आज़ादी की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति उन जेंडर के आज़ादी के पैमाने को चाहती हैं कि लोग समझ पाएँ, और इसी के लिए हम चाहती हैं कि बदलाव हो, और वो बदलाव के लिए निर्वाचन आयोग भी खड़ा हुआ है। समाज में एक ऐसा तबका है जो लगातार उपेक्षित रहा है, लेकिन अब उनकी अपेक्षा बढ़ी है और वो कई महत्वपूर्ण पदों पर भी आसीन हुए हैं। यानी ट्रांसजेंडर अब लगातार आगे बढ़ रही हैं और उनको नए नए दायित्व जो है सरकार के द्वारा, सरकार के प्रयासों से मिल रहे हैं। हाल फिलहाल में एक महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसजेंडरों को मिलने वाली है इलेक्शन में, VLO का जो पद है उस पर भी अब ट्रांसजेंडर मौजूद रहेंगी। यानी बैंक हो और भी अन्य जो सरकारी नौकरियां हो, एक तो वहां पर तो उनको मौका मिलता ही है। अब चुनाव आयोग का ये निर्देश आया है कि अब लगातार जो है चुनाव में भी ट्रांसजेंडर की मौजूदगी VLO के रूप में होगी और भी अन्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिलने वाले हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए रेशमा प्रसाद हैं। रेशमा जी, क्या सूचना आई है चुनाव आयोग की तरफ से? भारत निर्वाचन आयोग की समिति ने सभी राज्यों को अनुशंसित किया है कि वो प्रत्येक ब्लॉक में एक VLO की नियुक्ति करें। तो ये निश्चित तौर पे जितना पॉपुलेशन सेंसस में पॉपुलेशन आया वो अभी कम्युनिटी वोटर नहीं बन पाए हैं। तो अगर वो ब्लॉक लेवल पर हो पाएंगे तो निश्चित तौर पे वो अपने साथियों को जोड़ पाएंगे कि वो वोटर के रूप में आए, तो ये एक अच्छा मौका है। बिहार की बात करें तो बिहार में कितने ट्रांसजेंडर हैं और वोटर लिस्ट में उनकी संख्या कितनी है? अभी तक अगर सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्ति की बात करें तो लगभग 3,000 के आसपास ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं और पॉपुलेशन सेंसस 40,000 कहता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 90% पॉपुलेशन वोटर लिस्ट में नहीं है, तो ये एक मौका है कि वो जुड़ पाएंगे। कहीं जोड़ने के लिए, जैसे मान लिया जाए कि वोटर लिस्ट में नहीं है, जिलाधिकारी से बात, या फिर जो उनको आगे बढ़ाने के लिए कुछ मौका मिलना चाहिए उसको लेकर के बातचीत हुई, क्योंकि कई ऐसे ट्रांसजेंडर हैं जो कि पटना में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी हैं, बैंकों में भी हैं और भी अन्य जगहों नहीं। इसके पहले भी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए थे। हमारे ट्रांसजेंडर साथी मोनिका दास हैं, वो आइकॉन हैं। ये बहुत ही बड़ा मौका है कि वो आइकॉन के रूप में हैं। इसके अलावा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मतलब अच्छे अच्छे पदों पर पोलिंग ऑफिसर के रूप में काम कर चुकी है, तो ये मौके जो होते हैं वो गैर बराबरी को ख़त्म करते हैं, और ऐसे इलेक्शन कमीशन निर्वाचन विभाग का हम बहुत बहुत शुक्रिया करती हैं। एक सवाल ये भी है कि लगातार जो है प्रयास सरकार के द्वारा भी होता रहा है कि एक तो ट्रांसजेंडरों को आगे बढ़ाने के लिए जो है लगातार 377 भी जो है हटा और उसमें सुधार भी किया गया, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे ये दायित्व मिला है कि एक VLO जो है प्रत्येक हो, तो अब उसको लेकर के भी आगे कुछ कर रहे हैं? निश्चित तौर पे IPC 377 की बात अगर किए हैं तो ये महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सभी से संबंधित है, ये सिर्फ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित नहीं है, और सेक्स की जो आज़ादी है वो उसके ऊपर निर्धारित है, लेकिन हम जेंडर की आज़ादी की बात करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति उन जेंडर के आज़ादी के पैमाने को चाहती हैं कि लोग समझ पाएँ, और इसी के लिए हम चाहती हैं कि बदलाव हो, और वो बदलाव के लिए निर्वाचन आयोग भी खड़ा हुआ है। हम उनको शुक्रिया कहती हैं। चलिए, निर्वाचन आयोग जो है लगातार बदलाव की ओर, ट्रांसजेंडरों में जो बदलाव है, यानी कहने का ये अर्थ है कि निर्वाचन आयोग अब ये सूचना जारी कर रहा है कि अब प्रत्येक प्रखंड में एक VLO हो और उसमें एक VLO जो है ट्रांसजेंडर हो, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रयास जो है सरकार के द्वारा भी, आयोग के द्वारा भी है। अब उनमें सुधार भी हो रहा है और इसमें आप साफ तौर से रेशमा प्रसाद को देख रहे हैं कि किस तरह से उनके चेहरे पर खुशी है। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।